बच्चा हमारा। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर राजस्थान के झुंझुनू जिले के चनाना से हम आपको ये लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। चुनाव के टाइम पर नेता जनप्रतिनिधि हर एक दरवाजे की डोर पर जाकर वोट के लिए अपील करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव संपूर्ण हो जाते हैं विजेता प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में जाना भी भूल जाते हैं। यही तस्वीर बयां कर रही है चिड़ावा तहसील के चनाना से हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। बंजारा बस्ती में हमारे रिपोर्टर बाबूलाल सोनी व ग्रामीण विकास मंच जल बचाओ जीवन बचाओ संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष नरपत सिंह राठौड़ इन बंजारा बस्ती में जाकर के हाल जाने तो देखने को मिला कि वहाँ पर पानी की इतनी बड़ी भयंकर समस्या वहाँ पर बताई गई कि बंजारा बस्ती के लोग बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हमने काफ़ी समय से सरपंच को भी अवगत करवा दिया है, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं उनको भी अवगत करवा दिया है, लेकिन हम लोगों की कोई सुध भी नहीं ले रहा। चुनाव के टाइम पर हमें आके बरगला के यहाँ आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, लेकिन हमारी पानी के लिए कोई सुध नहीं ले रहा। इसको लेकर रिपोर्टर बाबूलाल सोनी ने बंजारा बस्ती के लोगों से बातचीत की। वह ग्रामीण विकास मंच जल बचाओ जीवन बचाओ संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष नरपत सिंह राठौड़ से भी हमारे रिपोर्टर बाबूलाल सोनी ने बातचीत करने की कोशिश की। क्या कुछ कहा सुनिए पूरी लाइव रिपोर्ट। जर्मन योजना का लाभ मिलना चाहिए, जो कुमाराम लिफ्ट परियोजना का पानी खेतड़ी पहुंचा, अच्छा वो ही पानी इस चनाना क्षेत्र को मिले, उदयपुर वाटी को मिले, सूरजगढ़ को मिले, चिड़ावा को मिले, झुंझुनू को मिले, जितने भी कॉन्टेंसी है इनको सबको जर्मन योजना का लाभ, स्थाई जल समस्या का स्थाई समाधान सही है पानी की। जो कुमाराम लिफ्ट परियोजना का पानी चल रहा है जर्मन योजना, उसी में से पाइपलाइन इनको दे दो, परमानेंट पानी मिल जाएगा। कलेक्टर साहब, हाँ कलेक्टर साहब से निवेदन करते हैं कि इसी योजना से इस क्षेत्र को जोड़ा जाए। बूढ़ा बुढ़ियों के कोई मकान नहीं, कोई बात नहीं, एक अच्छा ये कर रहा क्या छोना का तीरा का पानी को नहीं, दगड़ी साल होगी, दस साल होगी पानी को नहीं, करो देखो आई है ही नहीं पानी, लाओ कर से टंकर भी कौन से थे, टंकर भी बालू मारती है तो ज्यादा टंकर उड़े। तो आपको हर साल आने सरपंच लोग और ये विधायक लोग बोलते हैं, अब वो जो करना है तो वो तो कर देता है, नहीं करना है वो नहीं करता है। आपके पास वोट लेके चले जाते हैं, वोट तो देना ही पड़ता है, ग्राम सरकार तो चाहे कौन सी आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस, वोट तो देते ही हम, पर वो पानी यहाँ भर के पानी नहीं मिलता है, बस ये बात है। पानी यहाँ भर के चल जाए पर पानी नहीं मिलता है। पानी कौन लगाए हो, टंकी हो जाए हमारे, ये छोटे मोटे पशु है, कोई बकरी है, कोई गाल लो गाय बकरी है, रखते हैं पानी के लिए तो वो पिए कहाँ से पानी, इतनी देर ले जाओ पानी पिलाने के लिए आता ही नहीं। भैया हमने आपने पेट में पिया, पशुओं ने पानी पिया, गाय भी है, रेवड़ भी है, बकरी भी है, भेड़ भी है, टंकर ले गाओ तो टंकर चढ़े को नहीं, बालू मट्टी है, दस जाता रास्ता की रास्ता कच्चा है, गाड़ी घोड़ा दस जावे, कोई बुढ़ा बडेरा ने अगर कोई डॉक्टर ले दिखाने ले तो गाड़ी चढ़े भी को नहीं, उसे उठा कर ले के फिर नीचे ले जा, फिर उठाना पड़ता है। 500 रुपया टंकर का दे के अलावा वो भी बीच में रुक जाता है, वो भी आधा खंड जाता, आधा पानी घड़ा में से लागे पानी की बनाना। पानी की समस्या हमारे शोडेट से बहुत है, और पानी जो भी नेता लोग आता है उनको कहता हूँ वोट ले लेता है, पानी बनाता नहीं, बना देगा, पानी की बहुत समस्या। कितने घर हैं यहाँ बंजारों के? हमारे घर है 50-60 घर है अरे, और बंजारा में बहुत मुसीबत में, ब्याह शादी भी कड़े करे घड़ा सर पर 2 किलोमीटर से पानी ले गया है। वोट कितने हैं यहाँ बंजारों के? 200-150 से वोट है साहब, 200-150 से वोट है, पानी की कोई सुनाई नहीं है हमारे, और पानी के लिए आप कितने दिन से परेशान हो? हमने हो गया 12-13 साल हो गया साहब परेशान, पानी के लिए 12-13 साल के लिए परेशान है कि सबसे पहले आदमी को पानी चाहिए, जल के बिना जीव जिंदा नहीं रह सकता। बिल्कुल साहब, जल के बिना जीव जिंदा नहीं रह सकता, तो पानी की व्यवस्था सरकार ये बोलती है कि हम पानी की व्यवस्था करते हैं, गांव का पानी गांव में रखो, घर का पानी घर में रखो, तो इनके पास पानी है ही नहीं, रखेंगे कहाँ से? बिल्कुल, तो पानी की व्यवस्था कलेक्टर साहब से मैं निवेदन करता हूँ, जल मंत्री से मैं निवेदन करता हूँ कि अति शीघ्र जल्दी से जल्दी, और इस मोहल्ले के एक नंबर वार्ड है ये चनाना का, एक नंबर वार्ड में पानी की व्यवस्था करे। सौर ऊर्जा चल हित पनगट योजना, क्या सौर ऊर्जा चल हित पनगट योजना की ये डिमांड कर रहे हैं, एक पानी की बड़ी टंकी बन जाए और एक ट्यूबवेल बोरवेल हो जाए तो इनके पानी की समस्या हल हो सकती है।
ये काफ़ी दिन से मेरे को चर्चा कर रहे थे, लेकिन कल मैंने दौरा किया और सर्वे किया, देखा तो मैंने पाया कि ये सब सिर के ऊपर गढ़ा उठा के लाते हैं, परेशान हैं, और लेडीज़ औरतें सब मजदूरी करते हैं, शाम को पानी लाते हैं, एक एक दो दो गड्ढे से इनका काम चलता है नहीं। इसलिए मैं तो गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन देना चाहता हूँ और जल संसाधन मंत्री से निवेदन करता हूँ कि अति शीघ्र इनका पानी का समस्या हल किया जाए।